क्यों हरे रंग के कपड़े से ही ढकी जाती है बिल्डिंग, जाने इसके पीछे की वजह हो। आजकल हर कोई अपना घर बनवा रहा है। शहरों में ऊंची ऊंची इमारतों की संख्या भी हर दिन बढ़ती जा रही है। आपने भी रास्ते से आते जाते वक्त काफी घरों, बिल्डिंग, इमारतों को बनते हुए देखा होगा। आजकल हर कोई अपना घर बनवा रहा है। शहरों में ऊंची ऊंची इमारतों की संख्या भी हर दिन बढ़ती जा रही है। आपने भी रास्ते से आते जाते वक्त काफी घरों, बिल्डिंग, इमारतों को बनते हुए देखा होगा। इसमें आपने एक चीज पर ध्यान दिया होगा कि सभी कंस्ट्रक्शन साइट पर हरे रंग का कपड़ा या पर्दा रहता है। इससे आधी बनी बिल्डिंग को ढक दिया जाता है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता होगा कि हरे रंग के कपड़े से बिल्डिंग को क्यों ढका जाता है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि क्या है इसके पीछे की वजह। घरों के बनते वक्त हरे रंग से ढकने के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि इससे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे वर्कर का ध्यान बाहर की ओर न भटके। ज्यादातर लोगों को ऊंची जगह पर काम करने से डर लगता है। ऐसे में कारीगर जब ऊंचे से नीचे देखते हैं तो कभी कभी उसका मन घबराने लगता है। बिल्डिंग, इमारतें जब बनना शुरू होती है तो लगातार हर दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी मात्रा में धूल, सीमेंट, मिट्टी उड़ते हैं। ऐसे में आसपास लोगों को इससे काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है। किसी को परेशानी नहीं हो इसके लिए भी हरे रंग के कपड़े से बिल्डिंग को ढक दिया जाता है ताकि धूल मिट्टी बाहर ना उड़े। इन सब के बाद भी आपके मन एक सवाल होगा कि इमारतों को हरे रंग से ही क्यों ढका जाता है, नीले, काले या अन्य किसी रंग से क्यों नहीं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि हरा रंग बाकी रंगों के मुकाबले ज्यादा दूर से नजर आता है। इसके साथ ही रात के समय थोड़ी सी भी लाइट पड़ने पर हरे रंग का कपड़ा तेजी से रिफ्लेक्ट करता है। यही वजह है कि बिल्डिंग बनाते उसे हरे रंग के कपड़े से ढक दिया जाता है। इसी तरह के वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।